सर बुखारी साहब, आप इसको किस नजर से देखते हैं, ये जो मसला नजरियाती दहशत गर्दी का है पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया जनाब मदर साहब कि आपने वक्त दिया प्रोग्राम में आने का। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, कुरान मजीद में सूरह मायदा है, अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्से और फसाद फिल अर्ज फकअन्नमा कतल नास जमीया वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीया। इरशाद रब्बुल इज्जत है कि जो किसी का कत्ल करेगा बगैर उसके जुर्म के या जमीन में फिसाद फैलाएगा तो गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया, तमाम इंसानों को कत्ल की। और अगर कोई किसी नफ्स का एहया करता है, किसी की जिंदगी बचाता है, गोया उसने पूरे इंसानों को बचा लिया। आप जो बात लेकर चले हैं नजरियाती दहशत गर्दी, या आपने फिरका वाराना को इस तरह से आप फरमा रहे हैं, तो इस्लाम जो है वो ला इकरा फिद्दीन का तबलीग करता है। इस्लाम जो है वो कुरानी आयत है जी, ला इकरा फिद्दीन। तो कुरान मजीद जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं ये दीन, और फरमाया गया है वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरके फिरके ना हो जाए, आपस में तफरका न करें। अब बात यह है कि मुसलमान जो है उनमें जाहिर है एक से ज्यादा मकातिब फिक्र है, और ये एक तबीई और फितरी चीज है, इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इख्तलाफ को हल करने के लिए उसका बेहतरीन हल ये होता है कि इल्मी बहस मुबाहसा किया जाए, एक दूसरे से बातचीत की जाए, और जो नजरियात हैं अपने नजरियात दूसरों पर ठोंसने की कोशिश न कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस्लाम में कि मुसलमानों में कि वो ये चाहते हैं कि जो हमारे नजरियात और अकायद हैं वो दूसरे वाले भी उनको जरूर माने, अगर वो नहीं मानते तो फिर ये एक मुकाफर है उनकी नजर में। और फिर जाहिर है कि जब पहली बीस ये बना दी कि चूंकि हमारे नजरियात वो मानते नहीं है, लिहाजा दीन से खारिज हो गए, मुकाफर करार दे दिया जाता है। और फिर ये जब काफर करार दिया जाता है तो उसके बाद फिर उनको कत्ल करना भी जायज समझ लिया जाता है, उनकी इज्जत और आबरू को लूटना भी जायज समझ लिया जाता है। तो जब ये सोच और ये फिक्र हो, वो जिसने भी ये इस्लाम की तो सोच और फिक्र नहीं है, इस्लाम तो अमन का दीन है, सलामती का दीन है, इल्म का दीन है, अकल का दीन है, और वो ये पैगाम देता है कि जो भी कलमा वो है उसकी जान माल इज्जत और नमूस की हिफाजत करना, बल्कि जो नहीं भी है, जो नहीं भी है, जिसने कलमा नहीं भी पढ़ा इंसान है आपके साथ। मैं पहली बात कर रहा हूं, अभी तो बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं माफी चाहता हूँ, जरा एक कॉलर से बात कर लूं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कौन से जी? जी मैं खालिद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मुझे एक दो सवाल करने हैं। जी जी जरूर। जो अभी अगर साहब कोई फरमा रहे थे तो मैं सबसे पहले तो इनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि फिरका परस्ती को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले हमें खुद देखना होगा अपने अकायद के अंदर जाकर कि हम खुद क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फिरका परस्ती की बात आती है तो इनको खुद सोचना चाहिए, जब ये सादा इकराम के बारे में कीचड़ डालने की कोशिश करते हैं तो अगर ये खुद ऐसा करना बंद कर दें तो यकीन यहाँ से ही फिरका परस्ती खत्म हो सकती है। जब से इतना सिद्दीक अकबर की शान के अंदर ये गुस्ताखी करते हैं। अच्छा इस वक्त मौजू जो है ना ये नहीं है, तो फिर किसी और प्रोग्राम में आप आइए जब ये मौजू बहस कर बड़ा वो मौजू से हट गए हैं। जी जी क्यों आप बात कर रहे थे कि
जो भी जिसकी सोच और फिक्र है, देखिए हमारे पास मुश्तरकात है, तौहीद मुसलमानों का मुश्तरक चीज है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, क्योंकि कोई मुसलमान हो ही सकता जब तक उनका कलमा न पड़े, और इसी तरह काबा, कुरान मजीद, ये सारी हमारी मुश्तरकात है। और जो भी मुसलमान होता है यानी जो शहादतन पढ़ता है, अल्लाह की बादानियत की गवाही देता है, रसूल की रिसालत की गवाही देता है, वो मुसलमान है, उसकी जान माल इज्जत और नमूस हर चीज की मुहाफ़ज़त इस्लाम ने कहा है कि दूसरे मुसलमानों को ये करना चाहिए। रहेगी बात ये कि सोच और फिक्र की बात, तो जाहिर है कि कुरान और हदीस को समझने का एक फहम दीन आप समझ रहे हैं उससे एक कोई दूसरा समझ रहा है, तो जाहिर है कि अगर एक शख्स कुरान और हदीस का जो अपना फहम और अपनी समझ है उसको अगर दूसरों पर ठोसने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि वो फसाद की बात बनेगी। इल्मी बहस मुबाहसा तो आप कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि जनाब ये लोग हमारी बात नहीं मानते लिहाजा इनको कत्ल कर दो, तो ये दरिंदगी है जी। और ये हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल कहां से जी? मैं अर्जुन बात कर रहा हूँ जर्मनी से जनाब। जी क्या हाल है आपके? ठीक है राव साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अभी मोहतरम बुखारी साहब ये फरमा रहे थे कि अगर किसी से कोई इख्तलाफ करता है तो उसकी जानो माल को कहते हैं जी कि उसको मार दो उसको। मैं समझता हूँ कि उसकी सरेआम उसकी जान और माल को लूटने की और कत्ल करने की सरेआम तालीम दी जाती रही है पाकिस्तान में, फिर अपने ख्यालात से जो इख्तलाफात रखते हैं उनके कत्ल वारत की खुले आम तालीम दी जाती रही है और लूट मार की जाती रही है और गवर्नमेंट भी मुलवस रही है और रोका नहीं गया और फिरका वारियत। मैं आपका इशारा अब्दुल रहमान साहब, मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ गया हूँ आप किस तरफ क्या कह रहे हैं। बदकिस्मती है ये अगर ऐसा माशरे में हुआ है, हमारे में नजरियात मुख्तलिफ होना या मुसलमानों में फिरके होना या काफिर हो जाना या कुछ और हो जाना है, इंसानियत के जो असूल है या इंसानियत जो तकाजा करती है हमसे उससे हमें नहीं गिरना चाहिए। मैं आपसे यहाँ पर एग्री करूंगा और आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानों पर बहुत जुल्म होता है, खा वो किसी भी मकतबा फिक्र के हों, किसी भी मजहब के हों, कभी कभी ऐसा होता है पाकिस्तान में कि बहुत जुल्म किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने अपने बात मुकम्मल शायद कर ली थी जी। अच्छा चले आप करें बात। बात मैं कह रहा था कि यानी ये जो अभी बात की है ब्रादर ने भी कहा था, बात ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद ये हमारे उम्मत इस्लामी के लिए इस्लामी सोर्स का मनबा और मरकज कुरान सुन्नत है, ठीक है। ये सहाबा कराम के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, ताबईन के लिए, सब के लिए। तो जब अगर एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बयान कर रहा हो कि भी ये हदीस रसूल पाक की है, ये कुरान की है, तो वो चूंकि हदीस है वो बयान कर रहे हैं, वो हमारे लिए हुज्जत है। लेकिन अगर कोई सहाबी और सहाबा करामे से कोई एक चीज कहे कि जी रसूल पाक से नहीं है, खुद अपना फहम बयान कर रहे हो कि मैंने कुरान से ये समझा या हदीस से मैंने समझा, तो जाहिर है कि उसी मौके पर बाज दूसरे सहाबा जो थे वो कहते हमने ऐसा नहीं समझा। मसलन अगर अब्दुल्ला इब्न मसूद मुफ्ती थे या मसलन अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान थे या दूसरे सहाबा कराम, तो क्या उनका आपस में है नहीं थी मतलब, यानी फहम दीन में जाहिर अबू ज़र गफारी कहते हैं वो और बात है, हज़रत उस्मान जो कहते हैं उनका फहम दीन, यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक का फहम दीन या इस्लाम को समझना कुछ मुख्तलिफ हो तो आप दूसरे को क्या किया जाए, कत्ल कर दे, ऐसी बात भी लड़ी है वो भी तारीख है इस्लाम की, तो ये कह देना बड़ा, ये गुफ्तगू मेरा ख्याल किसी और तरफ चली जाएगी जो मैं नहीं चाहता कि आज के प्रोग्राम में जाए। एक कॉलर है, मैं बात कर रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।